कभी सोचा है कि कितने सारे एक्टर्स कई कई साल तक एक ही कैरेक्टर में जीते हैं? ये तो है, और सीरियल हिट हो जाए तो जीते हैं, वरना टीआरपी कम हो जाए तो कुछ पता नहीं कल को बालिका वधू का जग्गा भी अकबर की तरह बोलने लग जाए। डोंट वरी, तुम्हारी बातों का कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बातों को एक्टर्स सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो टेलीविजन सीरियल्स की दशा और दिशा दोनों देते हैं, यानी टेलीविजन सीरियल्स के निर्देशक। The nominees for the best director drama are Santosh Bhatt, Uttaran, Tamso Mayo Tirgamaya, Rohit Raj Goyal, Diya aur Baati Hum, Damru Wale Baba Teri Leela Hai Pyari, Arif Shamsi and Vaibhav Mutha, Bharat Ka Veer Putra Maharana Pratap, Hum Apne Shatruon Ko Parajay Ka Muh Avashya Dikhayenge, Waseem Sadiq, Ek Veer Ki Ardaas Veera, अरविंद बबल, सरस्वती चंद्र, मैं आपको अपनी माँ के कत्ल के लिए कभी माफ नहीं करूंगा। और ये अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पर इनवाइट करना चाहेंगे आशिका गुराड़िया और सिद्धार्थ शुक्ला। थैंक यू कपिल, कपिल कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, पर तेरे जो साथ है वो ज्यादा अच्छी है। Well, the award for the best director of drama goes to Waseem Sabir, Ek Veera Ki Ardaas. And Rohit Raj Goyal for Diya Aur Baati Hum. I would like to thank the entire technicians, directors, cameramen, editors, that this award is for them. Thank you for pushing me on that note that I made a show like Veera. We worked hard. Thank you so much. रोहित सर यहाँ नहीं है शूट के लिए, लोकेशन के लिए गए, उनके बिहाफ में हम ये अवार्ड ले रहे हैं। पूरी टीम दिया और बाती की तरफ से, शाशि सुमित प्रोडक्शंस की तरफ से, थैंक यू वेरी मच। कपिल यार, सब तुम्हें इतना थैंक्स कर रहे, इतनी तारीफ कर रहे, तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम सीरियल्स में काम करो? मैंने बहुत सोचा रागिनी, फिर हार के मैंने फैसला किया कि मैं नहीं करूंगा। ऐसा क्यों? छोटी छोटी उम्र के लड़के लड़के मम्मी पापा बने घूम रहे होते, तुम्हारी जैसी उम्र की लड़कियां 22 साल की उनकी अपनी लड़कियां होती हैं। तुम्हारी से भी छोटी छोटी उम्र की लड़कियों को दादी बना देते हैं, और दादी भी ऐसी फैंटास्टिक दादी बनाएंगे ना, यहां से 3 लटे निकालेंगे इसकी वाइट वाली, कि वो क्या सिर्फ साइड से ही दादी हुई, इधर से मम्मी, दोनों तरफ से बैलेंस होना चाहिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता, तो मैं नहीं करता हूं। हां, तुम वैसे कभी सीरियल्स में काम कर भी नहीं पाओगे। व्हाई? बिकॉज सीरियल में स्क्रिप्ट में एक लाइन होगी, तुम उसे पूरा का पूरा पैराग्राफ बना दोगे। तो सीरियल वालों का भी तो यही हाल है, वो सब यही तो करते हैं, एक हफ्ते की कहानी 150 एपिसोड तक खींच लेते हैं, और क्या मत उसमें होता क्या है? लेकिन तब भी दर्शकों को बांध कर रखते हैं ना, क्योंकि एक तो अच्छे सीरियल में होता है इमोशन, ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी, सस्पेंस और थ्रिल का ऐसा संगम कि ऑडियंस उसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करती। आई एम एग्री ऑन दैट। वक्त है ये जानने का कि इस साल कौन से सीरियल में आए सबसे ज्यादा ड्रामेटिक मोड। द नॉमिनेशंस फॉर द बेस्ट सीरियल ड्रामा आर, ये चाहती हूं ना कि मैं शादी कर लूं, बालिका वधू, कच्ची उम्र के पक्के रिश्ते, शादी कर लूं, भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप, और इस मिट्टी पर किसी शत्रु का अधिकार नहीं होगा, एक वीर की अरदास वीरा, दिया और बाती हम, सरस्वती चंद्र, जाओ दूल्हे राजा को सजाओ, अरे खातिरदारी करो दूल्हे राजा की। और ये अवार्ड देने के लिए हम स्टेज पे इनवाइट करना चाहेंगे मानसी जोशी, रॉय और शालिनी को। We are here to announce the best serial drama jury and the award goes to एक वीर की अरदास वीरा, Congratulations, Rob.
ऐसे शो के बारे में बात करने का जो टेलीविजन का अटूट हिस्सा बन गया है। सारे देश की जनता पिछले साल से इस शो के 1000 से भी ज्यादा एपिसोड्स देख चुकी है और जैसा रिस्पॉन्स इस शो को मिलता है इसके कई हजार एपिसोड्स और भी देखना चाहेगी। हमें गर्व है कि आज हम इस शो को ITS स्क्रोल ऑफ ऑनर से नवाज रहे हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वेरी लवेबल टीम ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और इस अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे मनीष पॉल और मेरी ऑन स्क्रीन वाइफ शिमोना चक्रवर्ती। और कपिल क्या हाल है? चल चल मैं होस्ट कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ बात करने का। मनीष तू मुझे भूल गया ना? और रागिनी क्या हाल है? दोस्त हीरो बन गया मनीष पॉल के लिए जोरदार तालियां। एक आरजे से अपना करियर शुरुआत करके और आज फिल्म में सोलो हीरो मनीष, मेरे भाई दिल से मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच यार, एक ही ताली बजी है, बड़ा अच्छा लग रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। एंड मैं क्यों थैंक यू करूं? अवार्ड मुझे थोड़ी मिला, हम तो देने आए हैं। हाँ जी, किसको देने हैं भाई? नाउन शर्मा जी आपको करना है। एक तो ये लड़की कैसी है, इसको होठों से पकड़ के तो मैं अंदर लाया हूं। कपिल सही बोलता है तू। अच्छा मेरे सामने कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, आज ITS तो 1400 रुपए का सूट बनवा के आई, बात करे। अरे इतना खर्चा किया था, पीछे भी थोड़ा ज्यादा कपड़ा लगवा लेते, पीठ तेरी सारी बाहर आ रही है। और ये सुन कपिल, ये पुंद ये लेसे भी इसने बाहर खड़े होकर लगवाई है, बाहर वो शॉले लटक रही थी उससे काट के यहाँ लगवाई है इसने। तो किसी को अवार्ड देने है कि बेइज्जतियों का अवार्ड लेने है? Please have the तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीम ऑन द फ्लोर। लोगों के खुशियों के और खेलों के मंजर। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। और मेलों के मंजर, दुख की बातें सुख की बातें। बहुत खुशी हो रही है, इतना बड़ा सम्मान हमें दिया है। मैं ITA बहुत आभारी हूँ और ये अवार्ड पूरी मेरी टीम का है। अनुज जी का काफ़ी सपोर्ट है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इसी तरह आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और हंसते रहिए। थैंक यू। और आप हमें यूं ही हंसाते रहें, थैंक यू सो मच। यकीन करें इससे बेहतर काम ही कोई नहीं है। लोग शोहरत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, आप लोग वो हैं जो लोगों की दुआएं भी कमा रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार तारक मेहता की पूरी टीम के लिए। थैंक यू मनीष, थैंक यू सिमोना। भाई कपिल और मेरे प्यारे दोस्तों, इस साल की दिवाली तो मेरी आज तक की सबसे बेस्ट दिवाली रही। इतना जोश, इतना उमंग, इतना ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट और ऐसा कलरफुल सेलिब्रेशन, वो भी अपनी इंडस्ट्री के सभी कलाकारों के साथ। सेलिब्रेशन अभी थमा नहीं है, बल्कि सेलिब्रेशन का ग्राफ जो है वो और भी बढ़ने जा रहा है। अब स्टेज पर आ रहे हैं देश के चार चहेते टेलीविजन कलाकार दिवाली की खुशियों में चार चांद लगाने एक बहुत ही स्पेशल परफॉर्मेंस के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जय भानुशाली, संजीदा शेख, इजाज खान और दिशा परमार का। Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day.
wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken.